सदियों से हम एक विष कन्या की तलाश में थे और हमारी तलाश खत्म हुई तुम पर। तुम? एक विष कन्या कम इंसान ज्यादा निकली। आपो! हमने तुम्हें एक मौका दिया हमारे शरण में आने का। हमारे शरण में आती तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करते। तुमने तुमने हमें धोखा दिया। आपो! आपो! तुम्हारा दिल कितना ही अच्छा हो अप्पू, तुम अपनी अच्छाई से लोगों को प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने शरीर से इस विष को कैसे निकालो? हाँ, तुम एक विष कन्या हो और तुम्हारे अंदर हमेशा से ही विष भरा रहेगा। हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, एक और मौका देते हैं अप्पू। बोलो, चलोगी हमारे साथ? मैं एक विश कन्या हूं मंदिरा। हाँ, मेरे रग रग में विश है, पर मेरी नियत और मेरी सीरत तुम्हारी तरह काली नहीं है। माना कि विश कन्याओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, पर उसका यह मतलब नहीं कि वो कोई दूसरा रास्ता नहीं चुन सकती। मेरा बस चले मंदिरा, तो मैं अभी अपना सारा विश त्याग कर एक आम मामूली जिंदगी जी लूं। मैं जानती हूं कि मैं कभी एक आम जिंदगी नहीं जी सकती, पर मैं ये भी जानती हूं कि इंसानियत के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक साफ दिल ही काफी होता है। तो तुम अपना ये मौका मंदिरा अपने पास ही रखो, क्योंकि जिस विष कन्या को पाने के लिए तुमने इतने खेल खेले हैं, आज उसी विष से तुम्हारा अंत होगा। किसी भी इंसान का किसी काली शक्ति को हराना इतना आसान नहीं होता। वो सिर्फ कुछ चीजों से डरते हैं, जैसे कि चांदी या फिर आग। हाँ, इस दरवाजे को आग से जलाया जा सकता है। प्लीज चल जाओ। तुम नहीं जानती तुमने हमें इनकार कर कर कितनी गलती की। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम कन्या। अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। विष कन्या का बच्चा नहीं तो विष कन्या ही सही। तुम्हें अब हमसे कोई नहीं बचा सकता अपराजिता घोष। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू माम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो, मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं, खून, खून के बदले कौन? नहीं। पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाई, तुझे कोई परहेज है क्या?
इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।